रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें ताक ऐप। क्या कश्मीर में उग्र प्रदर्शन के लिए तैयार हो? आप तैयार हैं वॉलेंट प्रोटेस्ट कराने? एक्सपीरियंस है आपको, तजुर्बा है मतलब प्रोटेस्ट कराने करने? बिल्कुल। क्या कश्मीर में पत्थरबाजी करवा दोगे? कितने दिन आप स्टोन पेल्टिंग करा सकते? मतलब हफ्ते दो, 10 दिन तक 20 दिन तक, महीने तक चलेगा। क्या कश्मीर के स्कूलों में आग लगवा दोगे? 6-7 स्कूल जला सकते हैं। मस्जिद का भी बोला था परसों कैसे करेंगे वो? स्कूल में आग लगानी हो बताइए, वो देखेंगे जब ये काम हो जाए तब। तो क्या कश्मीर को जला दोगे? ये तीन काम सबसे आसान। कौन से काम आसान है? मतलब एक काम आसान है, पत्थरबाजी का, बाजार बंद कर, ट्रैफिक रुकवाना, छोटी सी बात है। लेकिन छोटी सी बात है, आग लगाना मामूली सी बात है। कश्मीर को आग लगाने के कितने पैसे लोगे? 20 दिन का, जैसे 50 लाख का, 50 करोड़, 1-2 तो लगेगा। 1-2 करोड़ होने चाहिए। अभी देखिए काम चल रहा है, अगर अभी 10-12 लाख करवाए। कश्मीर की शांति के सुपारी किलर। जुमे की नमाज से पहले। लेकिन वो मस्जिद आपको उसका वीडियो प्रूफ भी चाहिए तो वो भी दूंगा, लेकिन मैं खुद उठाऊंगा, वीडियो मैं ही उठाऊंगा। ऑपरेशन 370। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश को खबरदार रहना होगा कश्मीर की शांति के इन सुपारी किलर्स से, जो कश्मीर में घात लगाकर बैठे हैं कि कब उन्हें मौका मिले और वो कश्मीर को एक बार फिर आग के हवाले कर दें। वो ढूंढ रहे हैं कश्मीर के उन दुश्मनों को जो उन्हें पैसा दे सके और बदले में वो उन्हें कश्मीर में पत्थरबाजी, आगजनी, उग्र प्रदर्शन के ऑफर दे सके। आज तक की टीम को जब कश्मीर की शांति के इन दुश्मनों का पता चला तो आज तक की अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम ने अपनी पहचान बदलकर उन्हें अपने खुफिया कैमरों में कैद कर लिया और उनके मुंह से वो सच उगलवाया जिससे पूरे देश को और खासकर कश्मीरी आवाम को जरूर सुनना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि कश्मीर के असली दुश्मन कौन है। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ ट्रेलर था, अब हम आपको आज तक के एक्सक्लूसिव ऑपरेशन 370 की पूरी फिल्म दिखा रहे हैं जिसके किरदार और उनका हर डायलॉग कश्मीर के खिलाफ जंग का ऐलान है। जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला। कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद लागू प्रतिबंधों पर जब पूरी दुनिया सवाल उठा रही है, जब 370 मुक्त कश्मीर की शांति देखकर दुनिया यकीन नहीं कर पा रही है, तब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कश्मीर में पाबंदियों की असली वजह जानने के लिए अंडरकवर रिपोर्टिंग की, जिसमें जो सच सामने आया उसमें मौका मिलते ही कश्मीर को आग लगा देने की साजिशें पक रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को जलाने की पूरी प्लानिंग अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं और सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं। मिलिए फैयाज अहमद भट्ट से, कश्मीर के गांदरबल का एक स्थानीय क्रिकेटर। लेकिन ये उसकी असली पहचान नहीं, असल में तो फैयाज पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं का मैनेजर निकला। फैयाज खास तौर पर दिल्ली आया था आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर से मिलने, जो फैयाज से कॉर्पोरेट लॉबिस्ट बनकर मिले और फिर फैयाज ने आज तक के खुफिया कैमरे पर कश्मीर में उग्र प्रदर्शनों का पूरा प्लान पेश कर दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वायलेंट प्रोटेस्ट कैसे होगा आपके लिए, आप कैसे करेंगे वायलेंट प्रोटेस्ट? मास्क लगा के पुलिस गाड़ियों पे पथरा वथरा रोड ब्लॉक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उस पर पैलेट भी लग सकता है, उस पर गोली भी लग सकती है। हमने किया नहीं आज तो उसके लिए बैठना पड़ेगा। सो मतलब एक होता है टीम, जैसे 10-15 लड़का आएंगे उस पर वायलेंट प्रोटेस्ट वहाँ पे हो जाएगा, सोरा बसपरा उस एरिया हो जाएगा। आप तैयार हैं वायलेंट प्रोटेस्ट कराने के लिए? तैयार पूरे सोरा में? सोरा सोरा से और आगे के?
आगे सौरा सौरा जैसे वो जो हॉस्पिटल है ना बड़ा वहाँ पे कर सकते, थाना भी उधर ही। कश्मीर घाटी का एक क्रिकेटर कश्मीर में उग्र प्रदर्शनों और पत्थरबाजी के खेल का माहिर खिलाड़ी निकला और उसने दावा किया कि वो श्रीनगर के आसपास सौरा और बुजपोरा में जो चाहे वो कर देगा। लेकिन जब पूरा श्रीनगर सेना की छावनी में तब्दील है और कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तब वो पत्थरबाजी और आगजनी कैसे करवा देगा। तो उसने बताया कि ये सब तो उसके बाएं हाथ का काम है, बस जो भी करना है थोड़े थोड़े दिनों के अंतर पर करना होगा। एक तरीका होता है जैसे इमाम वहाँ पे परमिशन नहीं होता, एक होता है वहाँ पे इंतजामिया होता है ना, मैं सीधा बोलूंगा आपको, एक होता है एक मस्जिद है वहाँ पे इंतजामिया उसका है, अगर किसी को बात करनी होती है वो एक प्रॉपर वे की वहाँ पहले लिख के देना होता है मैं बात करूँगी, लेकिन हमने जबरी करना है, खुलने से पहले उठना है, इमाम सब करूँगा एक मिनट बात कर, दो मिनट बात कर, नारे दो और वो फिर निकल जाए, एक हफ्ता कंटिन्यू करना है, हर दिन प्रोटेस्ट, हर दिन सुबह से। एक काम करेंगे सर, मैं इसके लिए एक मशवरा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम हफ्ते को बढ़ा के 20 दिन का करेंगे, एक दिन फिर तीसरे दिन फिर तीसरे दिन फिर तीसरे दिन, उसमें आसानी क्या आपके लिए? आसानी पता है इसमें क्या हो जाएगा, जैसे आज प्रोटेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली कल पहले ही उधर पहरा हो जाएगा, कल दूसरे दिन हो जाएगा उधर पहरा हो जाएगा, इसको थोड़ा बढ़ा के आसानी के लिए बोल रहा हूँ, आज प्रोटेस्ट हो गया एक दिन कल वहाँ हो जाएगा तो वो नहीं मिलेगा, परसों भी नहीं मिलेगा, फिर तीसरे दिन हो जाएगा। मतलब जो चाहे वो हो जाएगा, पत्थरबाजी करवानी है तो पत्थरबाजी हो जाएगी, उग्र प्रदर्शन करवाने हैं तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा फैयाज से पूछा तो बोला एक दिन के प्रदर्शन के 5 लाख और इस हिसाब से 20 दिन के पूरे 1 करोड़। अंदर कानूनी वानूनी सब संभालना खुद, कौन अंदर जाता खुद संभालना, जो कुछ करना है खुद संभालना, किसी को पैलेट लगे खुद संभालना, किसी को गोली लगे। आप अपना कितना बताते हैं? मैं बोला इसका डबल कर दीजिए, 2.5 का 5 कर दीजिए, 5 लाख एक प्रोटेस्ट का 5 लाख। हाँ वही है ना, जो 20 दिन का जैसे इसने बोला 50 लाख, इसका 50 का डबल कर दीजिए 1 करोड़। उग्र प्रदर्शन, पत्थरबाजी, मस्जिद में नमाज पढ़ने आए लोगों को उकसाना, कश्मीर की सड़कों पर हंगामा, ये फैयाज का दावा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती, कश्मीर को जलाने की सुपारी लेने की फील्ड में भी बहुत कंपटीशन है। फैयाज के बाद मिलिए उमर मिराज से, जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का पूर्व कार्यकर्ता है और अब वो कश्मीर में पत्थरबाजी और आगजनी की सुपारी लेता है। कश्मीर को जलाने के लिए उसके पास जो प्लान है वो फैयाज से भी ज्यादा खतरनाक है। 6-7 स्कूल जला सकते हैं, मस्जिद का भी मैंने उसको बोला था परसों कैसे करेंगे, वो भी करेंगे। वो सरकारी स्कूल होंगे प्राइवेट कश्मीर के? प्राइवेट ही ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, सरकारी स्कूल क्यों चलाएंगे? वहाँ पे तो पढ़ता ही नहीं है कोई खास, वहाँ पे तो प्राइवेट ही ज़्यादा है। तो प्राइवेट किस लेवल के होंगे? मीडियम साइज, जो हमारे लोग एरिया में आते हैं। श्रीनगर का एक सियासी कार्यकर्ता दिल्ली में बैठकर कश्मीर घाटी में स्कूलों को जलाने के साथ साथ पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम देने की पैकेज डील ऑफर कर रहा था और इस डील का ऑफर प्राइस था 1 से 2 करोड़ रुपए। अमाउंट बताइए। 1-2 तो लगेगा। 1-2 लाख बहुत सस्ता है यार। 1-2 लाख मतलब जो मैंने बोला स्कूलों का वो मस्जिद वजिद का, तो 1-2 करोड़ इन सारी चीजों का। उमर मिराज ने आज तक की अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम को अपने ऑफर से जुड़ी सभी शर्तें और नियम विस्तार से समझाए और डील के मुताबिक ही काम होगा, इसका वीडियो प्रूफ देने का भी दावा किया। जुमे की नमाज से पहले? जुमे की नमाज से पहले। लेकिन वो मस्जिद तो आपको उसका वीडियो प्रूफ भी चाहिए तो वो भी दूंगा, लेकिन वो मैं खुद उठाऊंगा, वीडियो मैं ही उठाऊंगा, वो करा उसको बोलूंगा करने के लिए, वीडियो मैं ही उठाऊंगा। आर्टिकल 370 हटने के 3 महीने बाद कश्मीर शांत है,
लेकिन पैसों और पावर के लिए कश्मीर को दोबारा दंगे, आगजनी और पत्थरबाजी धकेलने के लिए कश्मीर के सुपारी किलर शांत नहीं बैठे, जिनके मंसूबों का पर्दाफाश करने वाला ऑपरेशन 370 अभी जारी है। जमशेद खान और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। आपने सुना कि कैसे खुद को कश्मीर के ठेकेदार समझने वाले कश्मीर को जलाने की डील कर रहे हैं, कैसे अपनी जेबें भरने के लिए कश्मीर के भविष्य को आग लगाने के ऑफर दे रहे हैं, और यह काम कोई एक या दो लोग नहीं बल्कि कश्मीर में शांति को खत्म करने और माहौल को बिगाड़ने वालों की पूरी फौज कर रही है। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कब पूरी स्थिति सामान्य होगी। पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है। कश्मीर में सब बढ़िया है, ये केंद्र सरकार का कहना है, लेकिन कश्मीर में जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, और जो पूरा सच है वो आज हम आपको दिखा रहे हैं। कश्मीर की शांति कई लोगों की आंखों में चुभ रही है, जो खात लगाए बैठे हैं मौका मिलते ही कश्मीर को आग लगा देने की तैयारी करके। कश्मीर में आज तक की तहकीकात का किरदार नंबर 3 अल्ताफ अहमद सोफी श्रीनगर के हजरत बल का रहने वाला है, एक रियल एस्टेट एजेंट। लेकिन लोगों को घर दिलाना इसका साइड बिजनेस है, असली बिजनेस तो कश्मीर के लोगों के घर उजाड़ना है। बाजार बंद कराने हो वो तो खुद ही हो जाए, स्कूल में आग लगानी हो वो देखेंगे, जब ये काम हो जाए तब तो आप अपनी तरफ से क्या क्या करा सकते हैं मुझे ये बताओ, जो आपके लिए सहूलियत हो आसानी हो, वो क्या क्या चीजें होंगी? ये 3 काम सबसे आसान। कौन से काम आसान है? मतलब एक काम आसान है, पत्थरबाजी का, बाजार बंद कर, ट्रैफिक रुकवाना, छोटी सी बात है। ये तीनों छोटी सी बात है, आग लगाना मामूली सी बात है। मतलब पत्थरबाजी करवाना, आग लगवाना, इन लोगों के लिए मामूली सी बात है। ये वही लोग हैं जो कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं को मैनेज करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 करोड़ होने चाहिए। 1-2 करोड़? 1-2 करोड़ में क्या क्या हो जाएगा ये बताओ आप। सर ये है गिलास जी। अल्ताफ सोफी ने दावा किया कि अगर वो चाहे तो जितनी मर्जी प्रतिबंध लगे उसके एरिया में एक साइकिल भी नहीं चलेगी, और जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तब तक पूरा इलाका ब्लॉक रहेगा। अगर सर हमारा काम हो जाएगा जो हमारी पीछे प्रॉब्लम, मैं चाहूँ खुदा की मदद से साइकिल वाला भी नहीं चलेगा, गाड़ी तो बात अलग है, बस मैं कश्मीर में साइकिल वाला भी नहीं चलेगा। मैं कश्मीर में मैं अपने एरिया की बात करूँ। कितने दिन के लिए ब्लॉक करा है? जब तक मैं 5 मिनट के लिए, जब तक मैं बंद ना हो जाऊँ, अरेस्ट ना हो जाऊँ तब तक। गजब का कॉन्फिडेंस है अल्ताफ सोफी का, जो कहने को तो रियल एस्टेट एजेंट है लेकिन पैसों के लिए कश्मीर को जलाकर खाक कर देने पर उतारू। लेकिन अल्ताफ सोफी के गुरु भी हैं इस धंधे में। असद सिद्दीकी श्रीनगर में मदर्स चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एनजीओ चलाता है, लेकिन असल में वो कश्मीर की माओं के दिल के टुकड़ों को पत्थरबाज बनाता है और अपने एनजीओ के जरिए पत्थरबाजी के लिए फंड जुटाता है, और इस काम में उसका तजुर्बा काफी ज्यादा है। एक्सपीरियंस है आपको, तजुर्बा है मतलब प्रोटेस्ट कराने करने का? बिल्कुल, कर चुके हैं आप पहले प्रोटेस्ट कश्मीर में? बैलेट खाया मैंने, जिसम देखे नहीं मैंने, बैलेट गन खाई हुई आपने? असद का दावा है कि वो श्रीनगर की सड़कों पर पत्थरबाजों की लाइन लगा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे थोड़ा टाइम पहले बताना पड़ेगा क्योंकि पत्थरबाजी के लिए लड़कों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और बताइए और क्या? एक तो ये हो गया, एक हो गया प्रोटेस्ट सड़कों में, ठीक, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कब तक? उसके लिए यूथ तैयार करना है। लड़के वो कौन करेगा? मैं करूँगा, वो इसके मेरे लड़के करेंगे, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो करेंगे उसके, मतलब वो करेंगे। असद जो दावे कर रहा है वो बेहद गंभीर है, वो कबूल कर रहा है कि उसने पहले भी कई बार लड़कों को इकट्ठा करके पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया है। हमने कश्मीर की शांति भंग करने के लिए उतावले जितने भी सुपारी किलर्स को बेनकाब किया, उन सब में असद की डील सबसे सस्ती थी। शर्त बस एक थी, पैसा उसके ट्रस्ट के खर्चे में जाएगा। अमाउंट आप बताइए ना,
अभी देखिए काम चल रहा है, अगर अभी 10-12 लाख करवाए तो फिलहाल अभी। आज तक की अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन में एक बात साफ हो चुकी थी कि कश्मीर की शांति के दुश्मन अंडरग्राउंड हैं, लेकिन एक्टिव भी हैं और इंतजार कर रहे हैं कश्मीर में हालात सामान्य हो जाने का, जब वो कश्मीर को जलाने के अपने पुराने ऑर्डर पूरे कर सके। अभी जो हाईलाइट होगा ना उसको एपीएस से लगा दें, मैं आपको सिंपल बोलूंगा, ये होगा, ये प्रोटेस्ट होगा इससे ज्यादा, लेकिन हालात ठीक होंगे, मतलब ठीक कंडीशन, एक बार इंटरनेट चले और फौज हटा दे, दो चीज सड़कों पे से फौज हटा देगी और इंटरनेट फिर देखेगा प्रोटेस्ट। जमशेद खान और नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। आज तक के एक्सक्लूसिव ऑपरेशन 370 में कश्मीर की शांति के 4 सुपारी किलर्स के चेहरे बेनकाब हुए हैं, जो कश्मीर में पत्थरबाजी से लेकर आगजनी तक की सुपारी लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें बस पैसा चाहिए और एक इशारा, जिसके बाद वो कश्मीर को नफरत की आग में धकेलने में जरा सा भी नहीं हिचकेंगे। वो पहले भी ऐसा करते आए हैं, ये दावा उन्होंने खुद किया है, लेकिन वो अभी चुप बैठे हैं क्योंकि भारत सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाने से पहले ही कश्मीर के दुश्मनों को शिकंजे में रखने का इंतजाम कर लिया था। इसलिए वो घात लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि कश्मीर में जरा सी ढील मिले और वो अपने मंसूबों को अंजाम दे पाएं। हमारी एक बार फिर गुजारिश है कि कश्मीर की आवाम से कि अपने असली दुश्मनों को पहचानिए और उनसे खबरदार रहिए। खबरदार में अब एसपीजी सुरक्षा पर राजनीति की बिग फाइट का विश्लेषण। आज एसपीजी सुरक्षा पर संशोधन बिल को संसद की मंजूरी मिल गई, लेकिन आज राज्यसभा में बिल पर बहस के दौरान गांधी परिवार की सुरक्षा बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का मुद्दा उठा। गांधी परिवार की सुरक्षा से खिलवाड़ के कांग्रेस के आरोपों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए बदलाव से सबसे ज्यादा असर नरेंद्र मोदी को पड़ेगा जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। एसपीजी बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री और उनका परिवार सिर्फ 5 साल तक और पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार ही एसपीजी सुरक्षा हासिल कर सकेंगे। एक्ट लाने के पहले ही इस परिवार का थ्रेट असेसमेंट के आधार पर सिक्योरिटी में बदला गया, सिक्योरिटी हटाई नहीं गई है माइनर, परंतु इस एक्ट से अगर किसी का नुकसान होना है तो श्री नरेंद्र मोदी का होना है, क्योंकि 5 साल के बाद उनकी ही सिक्योरिटी चली जाएगी, उनको आगे नहीं मिलेगी अनंत तरीके से। और हमने ये नहीं रखा है कि 5 साल के बाद थ्रेट असेसमेंट करके उनको सिक्योरिटी दी जाए। राज्यसभा में एसपीजी संशोधन बिल पास कराने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यही दलील सामने रखी। अमित शाह को यह बात कहने की नौबत इसलिए आई क्योंकि कांग्रेस ने एसपीजी संशोधन बिल को गांधी परिवार से बदले वाला बिल करार दिया। सो काइंडली द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, they should be protected. If they are out of politics, that is different. They are very much in politics. All the security should be given to the leaders, especially my Congress president. लोक सभा से पहले से पास एसपीजी संशोधन बिल पर राज्य सभा की भी मुहर के बाद जब नया कानून अमल में आ जाएगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी। प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद अगले 5 साल तक पूर्व प्रधानमंत्री भी एसपीजी सुरक्षा का हकदार। एसपीजी सुरक्षा में इन बदलावों से पहले ही गांधी परिवार के सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की एसपीजी सुरक्षा हटाई जा चुकी है, लिहाजा कांग्रेस को सरकार की नियत में खोट नजर आता है। संयोग यह है कि जब एसपीजी सुरक्षा पर यह बहस गर्म है तो प्रियंका वाड्रा की सुरक्षा में चूक का मामला भी उजागर हुआ है। हालांकि पिछले महीने प्रियंका के बंगले में सुरक्षा की जो चूक हुई उसमें शामिल गाड़ी मेरठ के कांग्रेस नेता चंद्रशेखर त्यागी की थी, लेकिन कांग्रेस को सरकार पर पलटवार करने का मौका मिला। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी सरकार को घेरा है। अब ये है जो असेसमेंट होते हैं, होती है थ्रेट परसेप्शन होता है, उनको पता है कि कितनी और किस लेवल की सिक्योरिटी देनी चाहिए। अब उससे आगे मैं क्या बोलूं कि हमारे से नाराज है या कोई और रीजन के हो सकता है, होगा कोई और रीजन या क्या है अब पता नहीं। प्रियंका की सुरक्षा में चूक को गृह मंत्री अमित शाह ने भी कबूला है। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि 3 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन अमित शाह ने गांधी परिवार की सुरक्षा पर राजनीति के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उल्टे अमित शाह ने एसपीजी सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पर दोहरा चरित्र रखने का भी आरोप लगाया है। इस देश में
सिर्फ गांधी परिवार की सुरक्षा नहीं हटाएगी, इस देश में श्री चंद्रशेखर की समीक्षा के आधार पर सुरक्षा हटा ली गई। क्यों भाई, चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? श्री वीपी सिंह, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई। श्री नरसिम्हा राव, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई। अभी अभी मनमोहन सिंह की भी सुरक्षा को हटाकर जेड प्लस प्रोटेक्ट किया। कांग्रेस ने कोई हाय तोबा नहीं मचाई। राजनीतिक घमासान के बीच एसपीजी सुरक्षा पर बदलाव में सरकार कामयाब हो गई है, लेकिन यह तय है कि गांधी परिवार की सुरक्षा में अगर कोई चूक हुई तो वो उस पर जरूर घिरेगी। मेरठ से उस्मान चौधरी और दिल्ली से कमलजीत संधु के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और अब वो खबर जो सीधे चांद से और चेन्नई से होते हुए हमारे पास आई है। चांद की सतह पर भारत के विक्रम लैंडर के अवशेष मिल गए हैं। कोई भारतीय 7 सितंबर का वो दिन नहीं भूला जिस दिन विक्रम लैंडर से हमारा संपर्क टूट गया था। उस दिन से लगातार इस बात की कोशिश हो रही थी कि किसी तरह विक्रम से संपर्क स्थापित हो जाए या उसके अवशेष ही दिख जाएं। अब नासा ने इसकी पुष्टि की है और नासा ने इसका क्रेडिट चेन्नई के एक इंजीनियर और ऐप डेवलपर षणमुगा सुब्रमण्यम को दिया है। 33 साल के षणमुगा ने ही नासा के LRO अंतरिक्ष यान से ली गई चांद की तस्वीरों का हफ्तों तक अध्ययन किया और 3 अक्टूबर को नासा को ईमेल के जरिए उन हिस्सों को मार्क करके भेजा जहां विक्रम लैंडर की मौजूदगी हो सकती थी। अब नासा ने कंफर्म कर दिया है कि विक्रम लैंडर वही मौजूद है जहां षणमुगा ने मार्क करके भेजा था। जब 17 सितंबर को नासा का अंतरिक्ष यान विक्रम की लैंडिंग साइट के ऊपर से गुजरा तो उसने तस्वीर ली। वो तस्वीर नासा ने 26 सितंबर को सार्वजनिक की और दुनिया भर के लोगों से अपील की कि वो विक्रम लैंडर को ढूंढने में मदद करें। ये तस्वीर 1.5 गीगाबाइट की थी। उसे षणमुगा सुब्रमण्यम ने डाउनलोड किया और फिर तस्वीर को मैच करने का एक लंबा और कठिन सिलसिला शुरू हो गया। षणमुगा ने यह पुरानी तस्वीर से नई तस्वीर के एक एक पिक्सल यानी बिंदु की तुलना की। षणमुगा अपनी नौकरी करते हुए हर रोज रात में 4 घंटे चांद की विशाल काय तस्वीर में विक्रम लैंडर को ढूंढते थे। उन्हें इस बात का अंदाजा था कि विक्रम लैंडर के अवशेष विक्रम की लैंडिंग साइट के 750 मीटर के दायरे में हो सकते हैं। नासा का अंतरिक्ष यान इस लैंडर को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि उस जगह पर रोशनी की कमी थी, लेकिन 14 से 15 अक्टूबर और 11 नवंबर को जब दोबारा नासा का अंतरिक्ष यान उस जगह के ऊपर से गुजरा तो एक बार फिर इस बात की पुष्टि की गई कि जिस बिंदु को मार्क किया गया है वो विक्रम लैंडर का ही अवशेष है। जरा सोचिए ये कितना मुश्किल रहा होगा कि चांद की सतह पर सिर्फ एक बिंदु को देखकर इस बात की पुष्टि की जाए कि वही विक्रम लैंडर का अवशेष है। षणमुगा से मिली सूचना के आधार पर नासा ने विक्रम के कई अवशेष ढूंढ निकाले, इसीलिए चेन्नई की इंजीनियर की तारीफ होनी चाहिए। आज तक ने विक्रम को ढूंढ निकालने वाले इस इंजीनियर को ढूंढ निकाला और उनसे बात की। आप भी सुनिए उन्होंने ये कारनामा कैसे किया। Very good news this morning for you. Congratulations, you found Vikram lander and also been notified by NASA. Yeah, I feel elated to be notified by NASA because I did expect this long back, because when I found it on October 3rd and emailed NASA as well as tweeted to them, I don't know, this might be the debris of the lander, but I waited for the confirmation since NASA has to be 100% sure before publicizing the images with all their proof and other stuff. So I don't know this will come, but I'm glad it came around this time. So how did you go about finding these images? I'm sure it was not an easy quest. It took time. It took a lot of magnifying into the image as well. So how did you go about, if you can tell our viewers, how did you do it? Yeah, so on September 17th flyby, NASA actually released the image of their Chandrayaan 2 landing spot itself. So it was a full mosaic image. It's about 1.5 GB. So what I did means I downloaded that image and compared it pixel by pixel with the old images. So I got to know of Chandrayaan's intended landing location as well as the path followed by you by some of the Reddit forums as well as on Twitter. So using that data, I calculated and from ISRO's live telemetry data, what were
that's displayed on the screen. I deduce that it might be around something like around 2 into 2 square kilometer area around the landing location itself. I spent nearly something like 4 hours every day when NASA released this image around September end, I think so. So I did spend something like 4 to 6 hours every day at night scouring through the locations and finalizing on that particular spot. So around October 3rd, I realized, so this has to be the one. And after that, I didn't do any of the searches. I was just waiting for the confirmation from NASA. आपने देखा होगा कि सरकारी दफ्तरों में फाइलों की यात्रा बहुत धीमी गति से लगातार चलती रहती है और लाल फीताशाही के कारण काम अटक जाते हैं। इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अपनी सरकारी एजेंसियों को आदेश दिया है कि वो 2020 में सरकारी अधिकारियों की 2 रैंकों को हटाकर उनकी भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले आए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी एजेंसियों में जो मौजूदा सबसे ऊपर की 4 श्रेणियां हैं उन्हें घटाकर 2 कर दिया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस रोबोट्स की भर्ती की जाएगी। उन्हें लगता है कि एआई की वजह से नौकरशाही और तेज काम करेगी, फैसले जल्दी होंगे और विदेशी निवेश बढ़ेगा। हालांकि इस योजना को संसद की मंजूरी लेनी होगी। वैसे इंडोनेशिया में सत्ता में बैठे गठबंधन के पास 74% सीटें हैं, इसीलिए यह काम इतना मुश्किल नहीं है। सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी 2020 तक सरकारी अफसरों का स्वरूप और उनका काम करने का तरीका वहां पर बदल जाएगा। हालांकि इंडोनेशिया का विपक्ष इस फैसले से चिंतित है। उसका कहना है कि नौकरियों को कम करने के बजाय सरकार को रोजगार पैदा करने की योजना पर काम करना चाहिए। इंडोनेशिया में सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तैयारी पिछले 5 साल से चल रही है ताकि ब्यूरोक्रेसी की स्पीड को बढ़ाया जा सके। और अब हम आपको शरद पवार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के अंश दिखाते हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद अपनी चाणक्य नीति के दम पर शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। आज तक संवाददाता राहुल श्रीवास्तव ने शरद पवार से यह खास बातचीत की। महाराष्ट्र ब्रॉट टू पब्लिक गेज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस गेम्स ऑफ पॉलिटिकल इंट्रीग, मिडनाइट ड्रामास, पैलेस कूप्स एंड इवेंचुअली इन अ गेम व्हिच वाज बीइंग कॉल्ड अ बैटल बिटवीन चाणक्यस ऑफ पॉलिटिक्स, द मैन हु केम ऑन द टॉप, Mr. Sharad Pawar, the supremo of the Nationalist Congress Party. Welcome to the show, Mr. Pawar. It's a great honor to speak to you at this moment. Eventually, now a government is in place. How do you look back at the whole exercise of government formation? Was it always your intent, or was it a moment that you decided when the results came and the Shiv Sena started drifting away from the BJP, then you thought that it was time to move in? To be frank, after the result, I made a public statement. We haven't got any majority, we are not in position to form government, and we will not form government. We'll sit in opposition, and we'll act and deliver in such a way where people should feel that here is the opposition which is taking constructive approach on every issue. And that's why we are quite happy to sit in opposition. And in fact, if you study my own political career, now last 52 years I am in either state assembly, state upper council, Rajya Sabha or Lok Sabha, continuously. And out of 26 years, I'm in government. I was in government, not today. So, and out of these 26 years, my position in government, I was in opposition for many years. I was leader of the opposition in Parliament, Lok Sabha. I was leader of the opposition in Maharashtra Assembly. I was leader of opposition in Maharashtra Legislative Council. संसद ने दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने आज ध्वनि मत से दोनों इलाकों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। लोकसभा में ये बिल 27 नवंबर को ही पास हुआ था। बिल को पास कराते समय सरकार ने कहा कि इससे प्रशासनिक सहूलियत मिलेगी। दमन और दीव और दादरा नगर हवेली के विलय पर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश
रह जाएंगे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।